आपण माने समस्ते जानिथिबे जे 27 तारीख दिन पौर निर्वाचन रो फलाफल बाहरला परे ओडिसा रो समस्त वरिष्ठ ऑफिसर ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर डीजी बहु प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहु उच्च स्तरीय पुलिस ऑफिसर चीफ मिनिस्टर सहित पखापाखि 45 मिनिट भेटिकिरी बिजु जनता दल जितिला बोली पंचायत एवं पौर निर्वाचन रे तांकु कांग्रेचुलेट करिवाकु ऑफिसर माने जाइथिले। एभली अभावनीय घटना या पूर्वरु ओडिसा रे नुह अन्य कोनोसी राज्य रे भी घटि नथिबो ए कथा आमर आशंका हला एवं आज आमे समस्ते भारतीय जनता पार्टी गोटे डेलीगेशन महामहिम राज्यपाल को भेटिबा को आसिलु। आपण माने समस्ते जानिथिबे जे आज विधानसभा रे मध्य भारतीय जनता पार्टी रो विधायक माने ए प्रसंग उठैछंती। आमर मूल उद्देश्य थिला महामहिम को भेटिबार जे जो भली भावरे समस्त कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन रो कोड ऑफ कंडक्ट पंचायत निर्वाचन ओडिशा रो कोड ऑफ कंडक्ट म्युनिसिपल एक्ट एवं कॉर्पोरेशन एक्ट याकु वायलेट करिवा सहित जेते रूल्स अछि आईएएस एवं आईपीएस ऑफिसर मानंकर कंडक्ट रूल्स ए समस्त कंडक्ट रूल को वायलेट करिकिरी बिजु जनता दल रो सभापति नवीन पटनायक को ओडिसा रो समस्त उच्च पदस्थ पदाधिकारी ऑफिसर माने जाई कि तांकु कांग्रेचुलेट करिके आसिले। आमर मूल प्रश्न आपणको माध्यम रे होची जे जदि भारतीय जनता पार्टी कि अन्य कोनोसी राजनीतिक दल निर्वाचन रे जीते ताले एई माने आसी कि सेमानकु कांग्रेचुलेट करिवे कि मुख्यमंत्री को कांग्रेचुलेट करिबा भिन्न कथा। साधारण निर्वाचन रे मुख्यमंत्री नुआरे सरकार करला बेले साधारण भावरे कस्टमरी जाइकिरी के काकु कटसी कारण रु काहाकु कांग्रेचुलेट करि पारंती किंतु जो कथा भारतीय जनता पार्टी विगत दिन मानंकर कहि आसुथला पंचायत निर्वाचन अर्बन निर्वाचन आपण माध्यम माने देखिछंती जे पूरा पूरी एकपाखिया भावरे ओडिसार समस्त उच्च पदस्थ ऑफिसर सबु थाना ठारु आरंभ करी सबु कलेक्टर ऑफिस पर्यंत पूरा ब्यूरोक्रेसी एकपाखिया भावरे बिजु जनता दल रो कर्मी भली काम करले। आमे जहाँ एलिगेशन करूथुलु ताहा 27 तारीख दिन एई ऑफिसर मानंकर मुख्यमंत्री सहित देखा करिबा ता संपूर्ण भावरे प्रमाण करि देले। सेई माने ही प्रमाण करिले जे हाँ आमे जहाँ को समर्थन करलु से एकपाखिया भावरे ओडिसा रे जितिकिरि आसिले। तांकरे ही मुख्यमंत्री दफ्तर रो जो प्रेस रिलीज ए प्रेस रिलीज इटसेल्फ कन्फर्म करुची को भली भावरे ओडिसा रे ब्यूरोक्रेसी कोड ऑफ कंडक्ट कंडक्ट रूल्स सर्विस कंडक्ट रूल्स को वायलेट करिकिरि ओडिसा रे ऑफिसर माने काम करुचंती। एभली कथा जदि आउरी चाले ओडिसा रे अराजकता ओडिसा रे करप्शन ओडिसा रे क्राइम आपण माने समस्ते जानिथिबे जो भली भावरे इलेक्शन कमिशन को सामना रे भारतीय जनता पार्टी फेराद दउथुला कौनसी कंप्लेन आमर इलेक्शन कमिशन रखिले नाही कौनसी कंप्लेन आमर कलेक्टर बाबू माने कि सब कलेक्टर माने इलेक्शन ऑफिस माने रखिले नाही कारण से माने से समय बिजु जनता दल रो काम करूथले। कमिश्नर पुलिस भुवनेश्वर जाइकरी भेटिबे एठी बिजु जनता दल जीतिला कॉर्पोरेट मेयर हेकरी ब्रह्मपुर ऑफिसर माने भेटिबे कटक रो बड़ बड़ ऑफिसर माने भेटिबे ओडिशा रो चीफ सेक्रेटरी ओडिशा रो डीजी भेटिला परे को डीजी आ ओडिशा रो चीफ सेक्रेटरी अन्य राजनीतिक दल को किंबा साधारण लोक को गणतंत्र न्याय देबे। जदि सरकारी कर्मचारी माने राजनीतिक दलर कर्मी भली काम करिवे से दिन गणतंत्र भूसिड़ी जीव एवं गणतंत्र भूसिड़ीरा भली
ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବାବୁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ଏକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଗ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା ରଖିଲୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ ଥିଲା ଯେ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନ୍ୟାୟ ସଂଯୋଜିତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡିଜିଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମନେ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟୀ ଅଫିସରମାନେ ହେବେ IAS ଏବଂ IPS ଅଫିସରମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆସୋସିଏସନ୍ର ନାଁ ନେଇକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଦଶଟି ଆସୋସିଏସନ୍ର ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ, ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ସର୍ଭିସ, କନଷ୍ଟେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ହବିଲଦାର, ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲେ କି? ଅଫିସରମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ହେଇଗଲେ କି? ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।